थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कि एपी आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या एपी गिवन है? 3, 1, -1 और -3। 3, 1, -1 और -3 अप टू ऑलरेडी गिवन है एपी। ए वन क्या है? 3। ए टू 1। ए थ्री -1। ए फोर -3। तो डी वन क्या होगा देखो, यानी ए टू -A1। अब आपको ना और ज्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, यानी डी टू डी थ्री फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है कि ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। तो डिफरेंस क्या होगा कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन। तो ए टू की क्या वैल्यू? 1 माइनस ए वन की -3। तो डी वन क्या होगा? -2। एक तो हमें यही फाइंड करना है और एक हमें फाइंड करना है इसमें फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस माइनस। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो क्या टर्म क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है? -5, -1, 3 और 7। अब हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म ए वन क्या आ गई? -5। एक तो आंसर यही आ गया, ये क्या है फर्स्ट टर्म। ए टू क्या है? -1। अब हम थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को चाहे ना भी लिखें तो क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। हमें नेक्स्ट फाइंड क्या करना है? डी वन यानी कॉमन डिफरेंस। वो क्या होगा? ए टू -A1। ए टू क्या है? -1 और A1 की वैल्यू क्या है? -5। तो -1 -5 -1 और 5 क्या होगा? 4। तो D की वैल्यू क्या है? थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें क्या अल्टीमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए वन क्या है? 1/3। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। तो एक तो आंसर यही आ गया कि फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। सेकंड हमें इसमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस यानी डी। उसके लिए ए टू पता होना चाहिए और वो क्या है? 5/3। तो डी वन या कॉमन डिफरेंस यानी डी वन है कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो 5/3 -1/3 तो 5 -1 ये क्या है? 4/3। तो डी की क्या वैल्यू आई? 4/3 और फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या गिवन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 0.6 1.7 2.8 और 3.9 अप टू 4। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 क्या गिवन है? A1 क्या है फर्स्ट टर्म? वो क्या गिवन है हमें? 0.6। तो फर्स्ट आंसर तो यही है। सेकंड A2 क्या है? 1.7। तो D1 यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 -A1 यानी 1.7 -0.6 तो क्या है? 1.8।